गुरु चरणन में समझ समझ नादान रे मन धर ले गुरु को ध्यान रे मन धर ले गुरु को ध्यान। सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद भक्तजन अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, सत्संग करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इसी आनंद के साथ यात्री आगे का मार्ग तय करते हैं। पहला पड़ाव किरोड़ी होते हुए शाकंभरी माँ की गोद में होता है। माँ शाकंभरी के दरबार में माता के दिव्य दर्शन करके श्रद्धालु धन्य हो जाते हैं। अपार श्रद्धा का सैलाब देखकर मन आध्यात्मिक हो जाता है। सुरम्य पर्वतों पर इस समय बारिश का मौसम होता है, चारों तरफ हरियाली देखकर लगता है मानो प्रकृति श्रृंगार करके अपने इष्ट को रिझा रही है। यहाँ धार्मिक लोगों की तरफ से भंडारे भी लगते हैं, जिनमें यात्री निःशुल्क खाना खा सकते हैं। कोट बांध के पास आम्र कुंज में यात्री भजन कीर्तन का आनंद लेते हैं। प्राकृतिक छटा से भरपूर इस स्थान पर यात्री आराम करके स्नान करने के बाद फिर चल पड़ते हैं। अभी तक आपने राजस्थान एवं शेखावाटी के प्रमुख दर्शनीय एवं धार्मिक स्थलों का अवलोकन किया। अब शेखावाटी क्षेत्र में अपना अलग महत्व रखने वाली पवित्र नगरी, जिसे नवरत्नों की नगरी कहा गया तथा पंडित गणेश नारायण जी ने इसे शिव नगरी कहकर सम्मान दिया, इसी चिड़ावा नगर को श्रीमान चिड़ावा की उपाधि से विभूषित करते हुए कविश्रेष्ठ पंडित श्री त्रिलोक चंद्र शर्मा ने कविता के माध्यम से चिड़ावा की संपूर्ण विशेषताओं का वर्णन किया है। गुणन को अखाड़ो, ओगण काटन को कुल्हाड़ो, सुख शांति को सुवाड़ो, कवि मन को लडाओ है, खंड में है गांव एक, सतपुरुषा को धाम एक, रहे सदा जोगी जंगम, जमात को जड़ाओ है,
गणेश जी को प्राण प्यारो, वाणिज्य को उत्थान वारो, समाज को सुत्थान वारो, संपत को मंडाओ है, गंधर्वा को वास यो, कला को कैलाश यो, हास्यरस को निवास यो, श्रीमान चिड़ाओ है। ये चिड़ावा के रेलवे स्टेशन का दृश्य है। इस बारे में ये जानकारी भी आवश्यक है कि लुहारू से जयपुर मार्ग पर छोटी लाइन की गाड़ियां चलती हैं। राजनैतिक इच्छा शक्ति के अभाव में बड़ी लाइन से यह क्षेत्र वंचित है। रेल द्वारा चिड़ावा से दिल्ली तक सीधी रेल सेवा नहीं है। चिड़ावा का एक विहंगम दृश्य जो आप देख रहे हैं। चिड़ावा को प्रशासनिक दृष्टि से उपखंड का दर्जा प्राप्त है। यहां उपखंड कार्यालय, तहसील, एमजेएम कोर्ट तथा पशु चिकित्सालय एक ही परिसर में मौजूद है। झुंझुनू जाने वाले मार्ग पर मुख्य डाकघर स्थित है। नगर पालिका कार्यालय भी यहीं बना हुआ है। चिड़ावा की राजनीति के पितामह मास्टर हजारीलाल जी शर्मा की प्रतिमा भी इसी मार्ग पर विराजमान है। स्टेशन से कबूतर खाना की ओर जाने वाली सड़क पर नया बस स्टैंड बना हुआ है। इसी मार्ग पर पंचायत समिति कार्यालय, तथा कबूतर खाना बस स्टैंड कायम है। श्रीमती दुर्गा देवी बिड़ला मेमोरियल द्वारा निर्मित 30 बेड का सरकारी अस्पताल भी संचालित है। पुरानी तहसील सड़क होते हुए हम विवेकानंद चौक पहुंचते हैं। इस प्रतिमा को स्थापित करने में श्री विद्याधर हलवाई का प्रयास रहा है। इसी के पास श्री कृष्ण पुस्तकालय का भवन है। विवेकानंद चौक से उत्तर की तरफ पुलिस थाना बना है, जो पहले पुराने गढ़ के रूप में बना था। मुख्य बाजार के मध्य में श्री कल्याण महाप्रभु का प्राचीन मंदिर है। कभी यहां जोहर हुआ करता था, जो कालांतर में परिवर्तित हुआ। मंदिर के चारों तरफ मुख्य बाजार है। सब्जी मंडी, मिठाई की दुकान, कपड़ा बाजार, सराफा बाजार, गल्ले व परचून का सारा व्यापार यहीं होता है। पुरानी बस्ती में स्थित बोड़िया कुआ, जो लगभग 700 वर्ष पुराना है। इतिहासकार मानते हैं कि चिड़ावा का उद्गम भी इसी कुएं के साथ हुआ। बंजारों के द्वारा निर्मित इस कुएं के 5 मुहाने थे,
पंडित जी के आदेश पर भगिनिया जोहड़ के पास बिरला जी ने गणेश घाट के रूप में संवत 1959 में यह निर्माण करवाया। अनेक साधु संतों ने यहां तपस्या करके इसे तपोवन बनाया। साधुओं के आदेश से ही यहां यह शिव प्रतिमा निर्मित हुई है। नागरिक सम्मेलन को यह भवन एवं भूखंड श्रीमती पार्वती देवी द्वारा अपने पति स्वर्गीय श्री हरिराम हलवाई की पुण्य स्मृति में प्रदान किया गया। चिड़ावा नागरिक सम्मेलन मुंबई में रहने वाले चिड़ावा प्रवासियों द्वारा बनाई गई सामाजिक संस्था है। इस संस्था द्वारा होनहार छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा पाठ्य पुस्तकें व कापियां दी जाती हैं। संस्था द्वारा चिकित्सकीय सहायता भी प्रदान की जाती है। एक वस्तु भंडार चिड़ावों में संचालित है, जिसके द्वारा होने वाली आय सामाजिक कार्यों में खर्च की जाती है। मुंबई में संस्था द्वारा दीपावली एवं होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित कर चिड़ावा के विशिष्ट जनों को सम्मानित किया जाता है। श्री कृष्ण गौशाला का निर्माण राय बहादुर सेठ सूर्यमल शिव प्रसाद द्वारा सन 1941 में करवाया गया था। वर्तमान में समाज के सहयोग से इसका संचालन होता है। परमहंस श्री गणेश जी चैरिटी ट्रस्ट द्वारा दो ट्रैक्टर एवं पानी का टैंकर संस्था को प्रदान किया गया है। गायों के लिए एक शेड एवं कबूतर खाना राजकला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है। गौशाला में श्री कृष्ण मंदिर तथा एक ठंडे जल की प्याऊ का निर्माण श्री सत्यनारायण भीमराज का द्वारा कराया गया है। एक ट्यूबवेल श्री बाल किशन हिम्मत राम का द्वारा बनवाया गया है। श्री सत्यनारायण गोयल मंडरेला निवासी द्वारा ट्रैक्टरों को खड़ा करने के लिए गैरेज बनाया गया है। गायों के लिए एक शेड श्री झंडी प्रसाद हिम्मत राम का द्वारा बनवाया गया है।